मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए आपको मैंने बताया था जो हमारी लूसी है, लूसी का बेटा हमने अपने घर पे रखा हुआ है और ये लूसी का बेटा है। और ये कल इसके ना पैर में ना थोड़ी चोट लग गई थी, ये देखिए, और इसीलिए मैं इसकी ना थोड़ी मसाज कर रही हूँ जिससे कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं इसको फिर डॉक्टर के पास भी ले गई थी, डॉक्टर ने एक्सरे किया था, इसको इसकी मम्मी से मिलवाने के लिए ले गई थी, तो वहाँ पर ये स्पीड से भागा जिस वजह से इसको गाड़ी से टक्कर होने की वजह से ये देखिए इसको चोट लगी हुई है, इंटरली चोट लगी है और इसका एक्सरे हुआ है। और एक्सरे होने की बाद पता चला कि थोड़ा सा पैर में इसके दर्द है और हेयर लाइन आ गई है थोड़ी सी ये बैक साइड पे, और फ्रैक्चर है थोड़ा जिसकी वजह से इसको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये बेड रेस्ट कर रहा है 10 दिन तक कम से कम, इसको बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। और ये मैं आपको इसकी ये रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है इसकी एक्सरे रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब डॉक्टर ने इसको रेस्ट के लिए बोला है और इसके लिए डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह भी दी हुई है, ये देखिए ड्रॉप वगैरह दिए हुए हैं इसके लिए, ड्रग वाली है, और एक इसमें इसको एक सिरप भी दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये वाली दवाई दी है डॉक्टर ने, ये देखिए ये वाली मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, ये आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। और यही दवाई मैं इसको दे रही हूँ और टैबलेट भी है, ये देखिए मैं आपको टैबलेट भी दिखाती हूँ, ये वाली टैबलेट है, ये टैबलेट डॉक्टर ने दी है इसको, वो मैं टैबलेट लेकर के आई हूँ। और अभी इसको रेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने, मैं इसको अभी थोड़ी सी ना मसाज कर रही थी, थोड़ा सा इसको रिलीफ मिले, पैर की में दर्द है तो ये सुबह तक बिल्कुल चलने फिरने लगेगा, इसके पिछले पैर में दर्द हो रहा है, तो अभी इसको हमने इसको खाना खिला दिया है, दवाई दे दी है और अभी ये अच्छा फील कर रहा है, थोड़ा मैंने मतलब मसाज कर दी है, मसाज करने से ना इसको अच्छा लग रहा है, अगर इसको दर्द हो रही होती तो ये जोर जोर से चीखता, लेकिन इसको कोई पेन नहीं हो रही, मसाज करना इसको अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। ये मैंने ना इधर स्पंज वाला गद्दा बना दिया इसके लिए जिससे कि इसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत कमज़ोर है ये, हड्डियाँ फिर चुभती है ना ज़मीन पे, इसीलिए गद्दा स्पंज वाला मैंने बना दिया इसके लिए, ये अब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप सब लोग प्लीज़ इसके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि लूसी के 6 बच्चों में सिर्फ एक यही बचा है। और आपको बताया ये मैंने कल, बेला की जो बहन और भाई है जो उस लेडी के साथ उसके पीछे पीछे गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं घर पर, और इसी वजह से हमारे घर का माहौल भी थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे बच्चे और इतने बड़े, इतना मेहनत करने के बाद जब बच्चे ऐसे सड़क पे कहीं चले जाते हैं तो बहुत टेंशन होती है, और वापस ना आए तो और ज़्यादा टेंशन होती है। वो तीनों अभी तक वापस नहीं आए हैं, बेला की 2 बहनें माया और टिया और उसका भाई मैक्स, आप लोग पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया भी है, हम उसको वैक्सीन वगैरह के लिए लेके गए थे डॉक्टर के पास, वो मैंने आपको वीडियो भी दिखाए हैं, बचपन से लेकर के बड़े होने तक सारे वीडियो आपको दिखाए हैं। और वो जब वो लेडी लेके जा रही वो वीडियो भी मैंने निकाला है अपना कॉलोनी में से, बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने वो वीडियो निकाला, पर अभी तक कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया है,
तो आप सब लोगों से ही उम्मीद है कि आप सब लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी हेल्प होगी स्ट्रे डॉग के लिए। लोग समझेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो सड़क पे ऑन रोड रहते हैं। तो इसीलिए मुझे आप सब पे भरोसा है, आप सब लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो अपना समाप्त करूँगी, क्योंकि सवेरे मुझे छाया के लिए भी खाना लेके जाना है, क्योंकि छाया बहुत अकेली हो गई है, उसके बहन भाई चले गए हैं और उसके पापा गोरी और उसकी मम्मी कल्लू वो बहुत रोते हैं, बहुत उदास हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उनकी उनके लिए प्रेयर करें कि वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और हो सके तो जल्दी से घर वापस आ जाएं, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी आसपास ढूंढा है रात दिन पर वो कहीं पर भी नहीं मिला, कोई भी उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ चले गए हैं, एकदम से गायब हो गए। वो सड़क पे निकलते क्योंकि बाहर बहुत हैवी ट्रैफिक होता है और हैवी ट्रैफिक में बच्चे कहाँ चले जाते हैं, किस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और कई बार कई लोग बोलते हैं कि स्मेल से वापिस आ जाएंगे, पर वो है ही इतने छोटे और दो दिन से बारिश हो रही थी पर वो वापिस नहीं आए। हो सकता है वापिस आ जाए, हम तो यही कहेंगे कि वो वापिस आए अपने घर, जो अपने घर में आराम है वो कहीं पर नहीं होता। इसीलिए उसके पापा भी रोते हैं, फिर छाया भी रोती है, उसकी मम्मी कल्लू भी रोती है। अगर वो घर पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। तो आप सब लोग प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा और उनका दिल मत तोड़िएगा और स्ट्रीट डॉग की हेल्प कीजिएगा।